बहुमुखी प्रतिभा की देवी कह सकती हूँ इन्हें। कभी एक्टर के तौर पर इंटरव्यू किया, कभी डांसर के तौर पे, कभी सिंगर के तौर पर उनको जाना, तो कभी एक अच्छे इंसान के तौर पे। मैं बात कर रही हूँ हेमा मालिनी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर हेमा जी। थैंक यू जी। और जब जब आपके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, कुछ तो इंस्पिरेशन मिलता है। दैट पॉजिटिविटी कम्स। ओह सो नाइस, आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन गिव सम पॉजिटिव फीलिंग्स ऑलवेज। कह सकते हैं कि 75 को 74 का सलाम। हाँ, पर 75 का साल के मौके पर जो आप आज़ादी का महोत्सव जो आप कर रही हैं, इतना बड़ा डांस पहले, और आपने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। Yes. तो आज जो ये आपकी तरफ से ये उपहार है गंगा ऐसा लगता है, ऐसा सिचुएशन। एंड बहुत खुशी होती है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस समय में गंगा का यहाँ पे प्रस्तुति मेरा होने वाला महाराष्ट्र में। वैसे पहले 2 साल पहले हो चुका है बनारस और प्रयागराज। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं मैं और एक दो जगह में, बट कोरोना की वजह से वी कुड नॉट परफॉर्म, यू नो। इट्स ए बिग ह्यूज ट्रूप जो अभी मुझे मौका मिल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का 75 नदियाँ जो है उसका अभियान है, उसको स्वच्छ करने का। सो मेरा जो गंगा बैले बिल्कुल सूट करता है इसमें। राजनीति में रहते हुए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है। आप सफाई की तरफ या फिर मंदिरों को लेकर या फिर मथुरा को लेकर आपने बहुत अलग तरीके से अपना रास्ता चुना है। हाउ डू यू लुक एट इट? गंगा की स्वच्छता की तो हमारी सरकार कर रही है नमामि गंगे के तहत, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मथुरा में यमुना बहती है। यमुना की स्थिति तो बहुत ही एकदम दयावान है, बिल्कुल इतना खराब है, करके रखा है, एकदम नाला बनाया है। इट्स लाइक ए सुवेज गोइंग ऑन, यू नो। सो इट्स वेरी सैड हाउ पीपल आर कंटिन्यूसली दे हैव बीन डिस्ट्रॉइंग इट एंड नोबडी बॉदर टू टेक केयर ऑफ हर। सो दैट्स वेरी सैड, यू फील बैड अबाउट इट, यू नो। यू कैन सी दैट रिवर एज ए ह्यूमन क्राइंग फॉर हेल्प। So we are all doing our best of our work and our government is helping a lot in cleaning. आपके अलावा ये representation कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई इस तरह से कर पाए। यही वर्ड योगी जी ने भी बोला, इतने सारे लोग हैं आपको दिमाग में, ये गंगा के बारे में ऐसा कैसे सोचा आपने? He saw the show, my first show, he loved it so much. उन्होंने कहा था ये। योगी जी ने जो बनारस में किया है, इस पर आपने मोदी जी से मुलाकात भी की, और आपने मथुरा के कंडीशन और वहाँ के कॉरिडोर में जो आपने देखा, वो मथुरा में भी आप चाहती हैं? क्या बातें हैं। वो बांके बिहारी मंदिर जो है वहाँ लोग उधर आते हैं सब लोग। वैसे वृंदावन में सप्त देवालय है, बहुत सारे 7 हैं, वेरी फेमस, बट लोगों को जाते हैं सिर्फ मेनली दे गो टू सी बांके बिहारी। तो वो बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से प्रॉब्लम होता है, स्टैम्पिड हो जाती है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग दोज पीपल टू मेक इट अ कॉरिडोर सो दैट पीपल हु कम टू सी द टेम्पल शुड बी कम्फर्टेबल, लाइक तिरुपति में है, श्रीडी में है, वैष्णो देवी में है। कम्फर्टेबल जाना चाहिए, आना चाहिए लोगों को, वहाँ पर ऐसा ना लगे कि सफोकेशन, स्टैम्पिड हो गया, 2-3 पीपल डाइड ऑल्सो, यू नो, in this. So we don't want such thing to happen, so we have requested the mandir people, so they are also cooperating. Let's see what happens. Modi ji ke pratinidhitva mein aap log kaam kar rahe hain, unke leadership ko lekar aap kya sochti hain? Oh, fantastic. I am really blessed that main unke leadership mein kaam karne ka avsar mila, because when first time when I became Lok Sabha member, naturally he was becoming the prime minister and I am become the MP from Lok Sabha. So it is so nice. Thank God I am working under him. Whatever I want, I can go and tell him ki mujhe Mathura mein ye sab chahiye, so immediately we get it things done. And he is open about that. He is open and he gives on and off lot of ideas also he gives. Aisa karo, ye karo, you know. So nice. So you feel very energetic to keep doing something. Ji bilkul. 2024 pass mein hai. Pass mein hai. So kaise dekhti hai, kya kuch? मैं सी आई एम थैंकफुल टू जितने भी ब्रजवासी हैं, उन्होंने मुझे 2 बार मुझे सांसद बना के वहाँ पे मथुरा में है,
अभी तीसरा बार अगर वो है चाहते हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई लव टू बी देयर एंड डू मोर सेवा। आपने मोदी जी की बात की हेमा जी, और इतना सारा इंस्पिरेशन उनसे ड्रॉ करती हैं आप, आपसे लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन साथ में अपोजिशन गलत भी कुछ कहता है, ऐसे में एज अ लीडर क्या सोचती हैं? अभी विदेश में राहुल गांधी ने इतनी सारी बातें कह दी देश के को लेकर, संसद में लोग नाराज हैं, राजनाथ जी ने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऑफकोर्स यू कैन गो एंड टॉक इन, विदेश में जाके हमारे देश के बारे में गलत बोलना अच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहीं पे सॉल्व कर लो ना, वहाँ जाके बोलने का मतलब, मोदी जी इतना काम करके देश का नाम इतना ऊंचा कर रहे हैं, ही इज़ क्रिएटिंग ए न्यू इंडिया एवरी वेयर ही यू सी, कितना कुछ ना कुछ हर जगह हो रहा है, आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? कभी नहीं हुआ था। आप कहीं पे रोड्स बन रहे हैं कर्नाटका में, कभी शिमला, कभी केदारनाथ का देखिए, वहाँ पे वहाँ अटल टनल बनाया, लाइक दैट सो मेनी वेरियस थिंग्स ही इज डूइंग, ट्रेन का बुलेट ट्रेन कर दिया, सो ही इज कंटिन्यूसली इज ऑन द गो। तो हु हैज डन इट लाइक दैट टेल मी, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया देश के लिए? निस्वार्थ होकर एक इंसान इतना काम करते हैं तो उनका साथ देना है कि उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत अशब्द बात करना, इट डजंट लुक नाइस एट ऑल। बिल्कुल नॉट गुड। एंड देन इवन आई एम गोइंग टू सांसद, मैं भी देखती हूँ कि आज चला कि नहीं, नहीं नहीं चला, आज भी नहीं चला, एवरी टाइम वी गो एंड देन वी सिट एंड देन इट गेट्स एडजॉइंट बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल कमिंग फॉरवर्ड, दे कीप टॉकिंग एनीथिंग। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बंद कर देते हैं, चलने नहीं देते, सेशन चलने ही नहीं देते हैं एक दिन भी। तो इस बयान पर कितना, हाउ मेनी सेशंस गॉन वेस्ट लाइक दैट? अभी भी 17 दिन नहीं हो पा रहा है। नहीं बिल्कुल, आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगना चाहिए। डांस तो आपका फोटे रहा है बचपन से, आज एक डांस जो है वो ऑस्कर तक पहुंचा और देश को गर्वान्वित किया। सो वी आर वेरी प्राउड, बहुत ही खुशी होती है कि हमारे देश का, हमारे ऊपर से साउथ का एक टीम ने इतना सुंदर पिक्चर भी बनाया, इतना सुंदर नृत्य कराया, डांस कराया, इट्स वेरी मॉडर्न एंड वेरी, इतना स्ट्राइकिंग होगा है तभी तो ऑस्कर में अवार्ड मिल रहा। आप जो मन करे वो कीजिए, और बहुत मतलब अलग अलग दिशाओं में जो आप बढ़ रही हैं, दैट इज ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू सर। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गंगा, गंगा प्लीज कम एंड वॉच। या थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।